मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था आज उनसे मुक्त हो चुका है। गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है और उस विकास के साथ हम सबको जुड़कर गोरखपुर को और आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यही सरकार की मंशा और प्राथमिकता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ व्यक्ति को न्याय मिलना व दिखना भी चाहिए। सीएम योगी रविवार सुबह महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित समारोह के दौरान जिले में सड़क, बाढ़, सुरक्षा, शिक्षा आदि से संबंधित 144 करोड़ रुपए से अधिक की 61 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 33.16 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण व 111.33 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें आम जनमानस की सहभागिता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए परियोजनाएं लेकर आता है और आज उसका परिणाम है कि जनपद की एवं गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही है, कहीं स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ रही है, बाढ़ बचाव से जुड़े काम हो रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज तो कहीं अस्पताल का निर्माण हो रहा है। कुछ ना कुछ कार्य हर क्षेत्र में निरंतर हो रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार धनराशि देती है और हमारे सांसदगण, विधायकगण उससे विकास योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं। सरकार उसको स्वीकृत कर धनराशि और मुक्त करती है। जनता का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बाधा आती है और कार्य में देरी हुई तो उसका रिवाइज एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे प्रदेश के राजस्व पर उसका विपरीत असर पड़ता है। साथ ही विकास की परियोजनाओं में देरी होने के कारण आम जनमानस को भी काफी परेशानी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में जब जनता भी सकारात्मक भाव के साथ परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। सीएम ने कहा कि आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सनौली मार्ग 4 लेन बनने के साथ ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में उपलब्ध हो रहा है। पहले महानगर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज का रोड बहुत संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज महानगर से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे तो 4 लेन का उच्च स्तरीय मार्ग बनकर तैयार है। ऐसे ही मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर से होते हुए सनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया तक यह मार्ग 4 लेन बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर से नेपाल जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर न आना पड़े, इसके लिए जंगल कौड़िया से कलेश्वर तक एक नया बाईपास भी बनकर तैयार है। ऐसे तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। सीएम ने कहा कि गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है। प्राणी उद्यान मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के रूप में विकसित हुआ है। इसके साथ ही रामगढ़ताल पर्यटन की दृष्टि से निरंतर विकसित हो रहा है। रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट गोरखपुर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या ना हो, इसके लिए अभी से प्रयास करना है। प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। शहर के अंदर बरसात के दौरान जल जमाव की स्थिति न आए, इसके लिए अनेक कार्य चल रहे हैं। गोरधोइया नाली की सफाई के साथ ही रामगढ़ताल से तरकुलानी के बीच नाला बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जितना भी शहर का पानी होगा रामगढ़ताल होते हुए तरकुलानी में पहुंचेगा और वहां से पूरा पानी गुर्रा नदी व राप्ती नदी में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्याओं को सुने। अगर कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए काम करे तो तमाम विवादों का समाधान जनसुनवाई के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि माह में 2 बार तहसील थाना दिवस आयोजित किया जाए और यह भी सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायत की समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर हो।
सकारात्मक सहयोग से विकास को आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, राज्यसभा सदस्य जय प्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, श्री राम चौहान, श्रवण निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह आदि उपस्थित रहे। और हमारे भाव
हुआ पारबेला मंदिर पर दस की कटाना स्थल पर भी कार्य है, उसका पूज महाराज जी लोग अर्पण कर रहे हैं। इस तरह से पूज महाराज जी ने समूचे उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया है उसके लिए पूज महाराज जी को नमन करते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज महाराज। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, जनपद महानगर और जनपद की 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नई सरकार का गठन हुआ है, आपने गोरखपुर में सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाई है। मैं इसके लिए पूरे गोरखपुर जनपद के वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। ये वास्तव में विकास के प्रति गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं का अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि लोगों ने उन तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार जो है लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाओं में सड़कों की है, नालियों की है, बाढ़ बचाव से संबंधित है, विकास से संबंधित तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनका यहाँ पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। कुल 61 परियोजनाएं हैं और 61 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 40 परियोजनाओं को पूरा करते हुए आज उनका लोकार्पण हो रहा है, तो 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़े हुए प्रबंधन भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित है। प्रदेश सरकार की विकास के प्रति इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अनुरूप उन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय का एक हिस्सा है, जिसे लेकर के आज हम गोरखपुर के सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और इन सब के साथ मिलकर के हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कई सड़क बन रही हैं, कई स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कई उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नव निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं।
और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी मुक्त करती है और जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करें। विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है और कार्य 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेट हुआ तो उसका फिर हमें रिवाइज एस्टिमेट के लिए जाना पड़ता है, दाम पड़ता है, राजस्व पर, प्रदेश के राजस्व पर इसका विपरीत असर पड़ता है और विकास की परियोजना लेट होने के कारण आम जनमानस को भी इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी जब सकारात्मक भाव के साथ इन परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है। आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने देखा होगा वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सोमाली वाला मार्ग 4 लेन बनने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ इस पर 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। गोरखपुर सिटी के अंदर भी आप देख सकते हैं, पहले गोरखपुर महानगर से ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का रोड कितना संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज गोरखपुर से महानगर से आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, 4 लेन का बहुत हाई क्लास का मार्ग बनकर के तैयार है और रात्रि में अगर आप निकलेंगे पूरी लाइट सी की जगमगाहट के साथ आपको एक नए गोरखपुर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मोदीपुर से जब आप गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया पर यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर ना आना पड़े, जंगल कौड़िया से कालेश्वर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है, आवागमन उससे तेजी के साथ चल रहा है। विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदमाता के मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या ना होने पाए इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़धवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज गुड़धवा नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के और रामगढ़ तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से, कभी सफाई नहीं हुआ अपने समय से, सैकड़ों वर्षों से वह नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया है, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए वो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में, स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकुमारी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था, आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकुमारी में पहुंचेगा, तरकुमारी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना हुआ, वहां से पूरा पानी फिर नीचे बोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके होराबार के पूरे विकास
खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप सिटी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों का निर्माण हो रहा है, जल जमाव से मुक्ति के लिए साफ सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप यहां पर इस पार्क में पार्क का नया निर्माण हुआ, इसके बगल में ही चिड़ियाघर भी है, जू भी है, प्राणी उद्यान भी है। प्राणी उद्यान एक नए मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित हुआ, इसके पूरब में रामगढ़ ताल है, एक मनोरंजन और पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यहाँ पर ये गोरखपुर के लिए विकसित होता हुआ एक नया क्षेत्र बना है, जहां पर सायंकाल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर के अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है, रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट आपको नए गोरखपुर के एक नई तस्वीर को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना होगा, मिलकर के किसी भी प्रकार की गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था, आज गोरखपुर उससे मुक्त हो चुका है। आज गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब भी एक साथ जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होती है कि विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है। और उस विकास के साथ हमें जुड़ना है, गोरखपुर को आगे बढ़ाना है, गोरखपुर विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्या को सुने। अभी आपने देखा होगा मंत्री समूह आए थे, प्रत्येक जनपद में गए थे, हर कमिश्नरी के 3-3 मंत्री गए थे और उन्होंने उन कमिश्नरियों के अलग अलग जनपदों में कैंप किया, एक एक जनपद में 24-24 घंटे रहे, वहां पर वे कार्यकर्ताओं से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, समीक्षा बैठक भी की, भौतिक विकास के कार्यों को भी किया, जनता के चौपाल के कार्यक्रम को अरे आपको भी आगे बढ़ाया, हमें भी जन चौपाल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा, जनता की समस्या को सुनना होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से 1 घंटा अगर जनता जनार्दन की समस्या के निस्तारण के लिए बैठ जाए तो मुझे लगता है समाज की तमाम विवादों का पटाक्षेप हम लोग इस सुनवाई के माध्यम से कर सकते हैं और हमें मेरिट के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई के लिए इस प्रकार के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। प्रत्येक की सुनवाई हो, हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक ध्येय होता है। अगर हम विकास के कार्य की तो लंबी चौड़ी बात करें और सुरक्षा की गारंटी न दे और न्याय व्यक्ति को समय से न मिलता है तो मुझे लगता है उस विकास का उतना मायने नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस व्यक्ति को न्याय मिलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए और साथ साथ उसकी समयबद्ध ढंग से सुनवाई भी हो, यह आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें इस प्रक्रिया को मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ाना है और जिस दिन ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगे, भाइयों बहनों, प्रत्येक नागरिक विकास की इस प्रक्रिया के साथ स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने इसके बारे में पहले ही कहा है कि महीने में 2 बार तहसील दिवस लगे, महीने में 2 बार थाना दिवस का आयोजन हो, इसी प्रकार से महीने में 2 बार विकास खंड के अवसर और विकास खंड स्तर पर भी जन समस्याओं का निस्तारण हो। और अभी इससे भी एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग मिशन शक्ति के रूप में लागू करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य
प्रशासन के स्तर पर इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी स्तर पर न रहे, हम लोगों का एक सकारात्मक सहयोग जनप्रतिनिधियों को प्रशासन को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज 144 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण गोरखपुर के अंदर हो रहा है। मैं गोरखपुर वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग न केवल गोरखपुर के अंदर आवागमन के लिए अच्छे मार्ग देने में सफल होंगे, बल्कि इन विकास की परियोजनाओं के माध्यम से जल निकासी की समस्या का समाधान और बाढ़ से बचाव के लिए हम उत्तम व्यवस्था करने में सफल होंगे। एक बार फिर से आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।